हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे, जैसे ही आप थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि जो आज का वीडियो है, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारी बाइक का डायग्नोसिस लैम्प, इंजन डायग्नोसिस लैम्प दिस वन, अगर एक बार लॉन्ग और चार बार शॉर्ट करके ब्लिंक कर रहा है, एक बार लॉन्ग चार बार शॉर्ट करके ब्लिंक कर रहा है, तो उसका क्या मतलब है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी बाइक में डायग्नोसिस लैंप अगर एक बार लॉन्ग चार बार शॉर्ट करके ब्लिंक कर रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके बाइक का फ्यूल टैंक का जो सेंसर है उसमें थोड़ा मिसबिहेव या माल फंक्शनिंग हो रही है। तो जो आपका बाइक का फ्यूल सेंसर, बाइक के टैंक में जो फ्यूल सेंसर होता है, आप उसको एक बार चेक करा लीजिए क्या गड़बड़ी है भाई, नहीं तो आपकी बाइक का जो इंजेक्शन सिस्टम साथ ही साथ कंबशन सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपकी बाइक में एक बार लॉन्ग चार बार शॉर्ट करके कोई भी कोड आ रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बाइक का फ्यूल टैंक का सेंसर है वो थोड़ा माल फंक्शनिंग हो रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसी ब्लिंक कोड के वीडियोस से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ चैनल के बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ जब मैं अपडेट करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। तब तक आप जुड़े रहिए, स्टे सेफ, राइड सेफ़।